सेकेंड्स की मशीन है और इसे रिफॉर्मो बोलते हैं. इसका मैंने आज लॉन्च किया है. वेल प्रवीण एंड महक दे हैव बीन ट्रेनिंग मी जब से मैंने फिल्में स्टार्ट करी हैं, जब से मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी है, जब से मुझे फिटनेस का कीड़ा काटा है. आई थिंक दे हैव बीन इन माई लाइफ. मैं कहीं भी जाऊँ, कोई भी फिल्म करूँ, कोई भी शो करूँ, ये हमेशा मेरे साथ होते हैं. महक ने हमेशा मेरी पूरी डाइट का ध्यान रखा है, मुझे क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है. एंड प्रवीण ऐसा ट्रेनर है जिसने मुझे सुबह 4 बजे भी वर्कआउट कराया है, रात के 2:30 बजे भी वर्कआउट कराया है. मेक श्योर किया है कि चाहे शूटिंग हो ना हो, तू कहीं भी है वर्ल्ड में, वर्कआउट ज़रूर करेगा. यार आई थिंक मैं कहता हूँ सिर्फ बॉलीवुड नहीं, आई थिंक हर जगह आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है फिटनेस. आई थिंक ये एक मिथ मैं डेफिनेटली ब्रेक करना चाहूँगा, लोगों को बोलना चाहूँगा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपको सिर्फ बड़े पर्दे पे आना है तभी फिट रहो. आई थिंक हर एक को फिट रहना बहुत ज़रूरी है. मेरे फादर ही 70 years old, बट आज भी वो सुबह वॉक पे जाते हैं. ही मेक श्योर कि डाइट कंट्रोल करनी है. सो आई थिंक फॉर एवरीबडी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यार फिट रहो और अच्छे दिखो, क्यों नहीं. यार आइडल मानता हूँ मैं सिल्वेस्टर स्टालोन. आई थिंक उनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ. एंड ड्वेन जॉनसन, आई थिंक मैं और प्रवीण हम लोग रोज सुबह उसके बैठ के वीडियो देखते हैं. यार क्या बात है, बंदा सारा दिन शूटिंग कर रहा था, रात को 2:30 बजे जिम में. सो हम लोग कई बार सिर्फ 2:30 बजे इसलिए जाते हैं बिकॉज ड्वेन जॉनसन गया था. सो हमने ये भी किया है कई बार कि दिन भर हम फ्री थे बट नहीं, हम 2:30 बजे वर्कआउट करेंगे. आई थिंक बॉलीवुड में, आई थिंक अगर जिम की और फिटनेस की बात हो तो सलमान खान का नाम सबसे पहले आता है. आई थिंक वो एक ऐसे एक्टर हैं जिनके कारण लोगों ने जिम जाना शुरू किया, और मैंने भी दिल्ली में स्टार्ट किया था. बट दिल्ली में वर्कआउट जो मेरा होता था वो सिर्फ बाइसेप्स का होता था, बाकी हम कुछ किसी चीज़ पे वर्कआउट नहीं करते थे. स्पेशली लेग्स तो पता ही नहीं था कि अच्छा इन पे भी वर्कआउट होता है. सो आई थिंक हाँ, सो आई थिंक एक्ट्रेस, आई थिंक आजकल कटरीना कैफ बहुत फिट हैं. एंड जितना वो वर्कआउट करती हैं, जितना अपना ध्यान रखती हैं, सो कमेंडेबल. किस करते हो? हाँ, मैं प्रेशर नहीं, यार मैं प्रेशर लाइफ में किसी चीज़ का नहीं लेता. मैं इंजॉय करता हूँ. मैंने आज तक किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लिया. मैं इंजॉय करता हूँ, एंटरटेन करता हूँ. मैं ये नहीं सोचता बाद में क्या होगा, क्योंकि जब तक लोग मुस्कुरा रहे हैं, जब तक मैं इंजॉय कर रहा हूँ, तब तक सब अच्छा है. सो आई जस्ट इंजॉय माई सेल्फ. थैंक यू. करने जा रहा हूँ जो मैंने आज तक नहीं किया.